हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप ठीक होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी चल रहा है वेडिंग का सीज़न, तो उसी को मैंने ध्यान में रख के मैंने बहुत ही सस्ती अंडर 500 का मैंने लहंगा ऑर्डर किया है मीशो से। ऑर्डर करते हुए तो बहुत मतलब ऐसे सोच रही थी यार अंडर 500 में क्या ही मिलेगा, वो भी लहंगा। पर बहुत सारे लोगों ने उनको लिया हुआ था तो मन में था कि लेके देखती हूँ, एक बार ट्राई करके देखती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि देखो पैसा हो ना हो ख्वाहिशें सबके पास होती है, और पैसा नहीं होने की वजह से उनकी जो है ये ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है। तो अगर कोई ब्राइड भी है या फिर एज अ वेडिंग गेस्ट भी आप इस लहंगे को वियर कर सकते हो। उसको जो है मैंने ध्यान में रख के 3 टाइप का हल्दी मेहंदी और शादी के लिए भी मैंने ऑर्डर किया है। तो वीडियो में बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि बहुत पैसे खर्चे होते हैं भैया। और आप लोगों के लिए मैं मेहनत करती हूँ इतना उतना अपना पैसा खर्चा करती हूँ, तो आप लोग तो इतना कर ही सकते हो। सो लेट गो स्टार्ट द वीडियो। ये रही मेरी फर्स्ट पार्सल, और इसको ओपन करके देखते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। ओके, तो मैंने इस लहंगे को हल्दी के लिए ध्यान में रख के ऑर्डर किया था। पता नहीं, बहुत ही पतली सी लग रही है, लहंगा तो नहीं लग रही, पता नहीं क्या निकलेगी, सच्ची बता रही हूँ। और ये ना अंडर 300 का है। हाँ, मुझे याद है, मतलब एग्जैक्टली प्राइस भी याद है, बट 300 से कम की ये लहंगा थी। और बहुत सारे मतलब लोगों ने लिया था इसको, बट मुझे जहाँ तक याद है ब्लाउज इसकी टोटल डिफरेंट है, ये कलर की नहीं थी। पता नहीं, मैं साइड में इसको पिक लगा दूंगी। और ये रही इसकी लहंगा, सच्ची में क्या है ये पता नहीं। तो इतना आपको मिल रही है, ये ज़्यादा फ्लेयर मतलब देखो इसकी अगर क्वालिटी की बात करूँ ना तो बहुत ही सॉफ्ट है, नेट भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। पर ये ऐसी वाली फ्लेयर जो होती है ना, शायद वो नहीं है, थोड़ी कम फ्लेयर है। बट बहुत सारे लोगों ने इसको वेयर किया था और अच्छी लग रही थी। मैं आपको साइड में से इसको पहन के दिखा दूंगी कैसी है। बाकी जो अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो अंडर 300 की है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। सो इसको मैंने हल्दी के लिए ध्यान में रख के लिया था। और ये ब्लाउज में जो है पूरा वर्क हुआ है और अच्छी लग रही है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो देखो अगर क्वालिटी की बात करूँ तो इसके ब्लाउज के फैब्रिक का भी क्वालिटी अच्छी है और लहंगे का भी क्वालिटी अच्छी है। अभी यहाँ पे मुझे डाउट है कि इसका फ्लेयर जो है कितना आएगा। और अगर देखो फ्लेयर मतलब अच्छी लग रही है, मैं पहन के आपको दिखाऊंगी। और क्वालिटी की बात करूँ तो वर्थ इट है। तो आप इसे हल्दी का सोच के इसे ले सकते हो, अगर आपके का बजट जो है बहुत लो है तो अंडर 300 का ये लहंगा है, आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इसे लिया था, इसीलिए मैंने भी इसको लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिया था। मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट लेती हूँ तो पहले रिव्यू देख के रेटिंग देख के लेती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने इसको लिया था और बहुत सारे पहन के पिक्चर भी लगाए थे, तो अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे देखो मैंने देखा भी, टच करके भी देख रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इसकी नेट भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो क्वालिटी वाइज अच्छी है, और पहन के दिखा दूंगी कि इसका जो फ्लेयर है वो कितना आ रहा है। बाकी वर्थ इट है, आप अंडर 300 में क्या चाहते हो भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, ले सकते हो, ले लेना अगर बजट लो है तो ले लेना, बहुत अच्छी। यहाँ पे रही मेरी दूसरी पार्सल, एक मैंने शादी के लिए और एक देखो हल्दी का तो निकल गया, अब इसमें देखते हैं क्या निकलता है। एक मेहंदी के लिए और एक ब्राइडल दो वाली लहंगी है, ये भी अंडर 500 रुपीज़ का है। और इससे भी बहुत सारे लोगों ने लिया था और बहुत अच्छी लुक आ रही थी इसका भी, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक हल्दी का लिया एक मेहंदी का भी ले लेते, बहुत अच्छा। निकाल के देखते कैसी है, ठीक है, अंडर 500 की है। प्राइस मुझे अच्छे से याद नहीं, पर मैं लगा दूंगी। ओके, मैं तो एक मिनट के लिए डर गई थी, मुझे लगा सिर्फ लहंगा दे दिया, ब्लाउज व्लाउज कुछ दिया ही नहीं, बट ये ब्लाउज अंदर से है। ये इसका जो है अस्तर भी दिया, और इस तरह का ये नेट फैब्रिक का इसका जो है ब्लाउज है। कैसे निकालूं, बहुत अच्छे से इसको सिल दिया। ओके, तो पहले लहंगे की बात करते हैं, तो ये भी अच्छी लग रही है, ये ऑर्गेंजा फैब्रिक वाली लहंगा है, अच्छी लग रही है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, अंडर 500 में बहुत अच्छी ऑर्गेंजा फैब्रिक का ऊपर से आपको मिल रहा है, अंदर से प्लेन सर्ती इनका आपको जो है, और अस्तर मिल रहा है शाइनिंग वाला, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस तरह से आपको कमर में वर्क मिलेगा, बाकी कहीं वर्क नहीं, प्लेन है, नीचे से आपको ऐसा लुक है।
तो यार अंडर 500 में मुझे लगता है वर्थ इट है। इसका ब्लाउज भी इस तरह से आपको अस्तर भी दे रहे हैं और पूरा हैवी ब्लाउज जो है नेट में आपको काम मिलता है इस तरह से ऐसे। तो मे भी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। यार 500 में आपको एक अच्छी प्रॉपर कुर्ती नहीं मिलती, यहाँ पे आपको लहंगा मिल रही है। और अगर आपकी लो बजट है तो अपने पैसों को मारो नहीं, इसे पहनो और बहुत ही अच्छी दिखोगी। सच्ची बता रही, बहुत ही अच्छी दिखोगी। मेरी तो शादी हो गई, नहीं तो मैं अपने मेहंदी के लिए ज़रूर लेती, बहुत ही अच्छी लगेंगी। और इसकी दुपट्टा जो कि फुल नेट में है और साइड साइड से इस तरह का लेस लगा हुआ है ऐसे, देखो कितनी सॉफ्ट है। वर्थ इट है, ले लो सोचो मत, सच्ची बता रही। देखो अगर मतलब पैसे के हिसाब से अगर देखो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी रिसीव होगी, कसम से। जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो मजाक उड़ाते कि यार 500 के अंदर क्या ही मिलता है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी, मेहंदी के लिए बहुत ही अच्छी आएगी, ले लो। अभी लास्ट पार्सल किया जो कि मैंने वेडिंग के लिए किया था, तो ये रही। इसके भी ओपन करके देखो, दो ने तो मन खुश कर दिया, तीसरी इसके होप ये भी मन खुश कर दे मेरा। मुझे याद नहीं इसकी प्राइस, पर शायद ये 500 की ज़्यादा की है, बट मैं लगा दूंगी क्योंकि पार्सल पे प्राइस ही नहीं लिखा रहता है यार। कभी कभी तो डर भी लगता रहता है, ऐसे दो तीन पार्सल एक साथ आ जाते हो तो लगता रहता है कि कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं दे रहे, क्योंकि किसी पर प्राइस ही नहीं लिखा रहता। तो ये ऐसा है, नहीं नहीं मैं लो बजट में ब्राइडल के लिए स्पेशल इनका सोच के मैंने लिया है। तो ये जो है ना, वो बोलते हैं ना बनारसी सिल्क टाइप का, वो बनारसी सिल्क टाइप का नहीं होता वो उसमें। और इसकी पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी, सच्ची में बहुत अच्छी लगी थी। और इसकी प्राइस मुझे याद है पर 500 से ज़्यादा की थी। तो मैंने इसको दुल्हन का सोच के लिया कि जिनको जिनका बजट जो है लो होगा वो ले लेंगे, तो उसी के हिसाब से। तो ये रही इसकी लहंगा, अच्छी लग रही है यार इसकी लहंगा ना, शायद हाँ लहंगा ना फुल स्टिच है पूरा ऐसे। देखो नीचे से कितनी अच्छी, मतलब इसकी ये बहुत अच्छी लग रही है एज अ ब्राइडल के लिए मैंने सोच के लिया। तो अगर आपकी लो बजट है ले सकते हो, क्योंकि क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। और अगर आप इसके अंदर कैनकेन लगा देते हो ना तो बहुत अच्छी फ्लेयर आएगी। वैसे भी इसको मैं पहन के सारे आपको लहंगा मैं इसको साइड में दिखाऊंगी कि कैसा लुक आता है, बट यार अच्छी लग रही है। ये रही इसकी ब्लाउज का पीस जो कि पूरे ब्लाउज पे ऐसा वर्क है, देखो अच्छी क्वालिटी का है। और ये इसकी दुपट्टा बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सच्ची बता रही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है देखो। तो पैसे के हिसाब से ना तीनों का तीनों लहंगा मस्ट बाय है, सच्ची बता रही। मतलब अपने ख्वाहिशों को मारो नहीं यार। अगर देखो बहुत सारे लोग होते, सच्ची बता रही बहुत सारे लोग होते जिनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है कि मतलब वो कुछ ले, पर ख्वाहिश ना सबकी होती है कि प्रॉपर हल्दी मेहंदी आदि में लहंगा पहने, अच्छे से सजे। तो उसके हिसाब से मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो लिया है बहुत ही अच्छे मस्ट बाय है। आप तीनों चीज़ के लिए अलग अलग ये बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छी, सच्ची बता रही मुझे बहुत ही अच्छी लगी पर्सनली। और प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि क्वालिटी देखो, ये दुपट्टे की क्वालिटी है, ये ब्लाउज़ की क्वालिटी है, अस्तर इसमें नहीं मिल रहा है, बाकी देखो ये लहंगे की क्वालिटी है। और साइड से मैं आपको पहन के प्रॉपर लगाऊंगी कैसी दिख रही है, पर वर्थ इट है, आप इसे ले सकते हो। वीडियो यहीं पे मैं इन करती हूँ। और अगर आपको किसी भी चीज़ का जो है रिव्यू जानना है तो मुझे इंस्टा पे आप DM कर सकते हो और लिंक भेज सकते हो कि मुझे इस चीज़ का रिव्यू जानना है, मैं उसको परचेज करके उसका रिव्यू दूंगी। सो मैं कमेंट में होगा तो मैं अपने इंस्टा ID का लिंक दे दूंगी, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है मेरे इंस्टा ID का लिंक, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और नाम भी आपको बता देती हूँ मैं, वैसे नाम से तो नहीं मिलेगा, लिंक ही दे देती हूँ मैं। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं इन करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय 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 बाय।